वरकातुहु। आवाज अगर कम हो जाए इसको आवाज ठीक कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन वअला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما। ये रिवायत है, इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه, और मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। ये रिवायत बहुत लंबी है, इसमें एक लंबा वाक़िया दर्ज हुआ है। खुलासा इस रिवायत का ये है, इसमें ईमान के ऊपर जन्नत की बशारत है। अब आप इसको तरतीब के साथ सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम बैठे हुए थे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द, यानी मस्जिद नबवी में हम थे। ठीक है, आप जाते हैं, ठीक है आवाज़ तो। और हमारे साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे और हज़रत उमर फ़ारूक भी थे। मस्जिद नबवी का वाक़िया है, सहाबा किराम बैठे हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ दो शख्सों का नाम लिया क्योंकि ये सरदार थे। अहले अरब की आदत थी, जब वो किसी मजलिस का तज़किरा करते थे तो जो अहम अफराद होते थे उनका तज़किरा ज़रूर करते थे। इससे मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा किराम की नज़रों में भी ये बहुत ऊँचे दर्जे के थे। इसलिए उनको शेखैन कहते हैं, दो बड़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हीं का तज़किरा किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लम के पास बैठे हुए थे। अब कितने थे? बहुत थे। ये लेकिन ये फरमा रहे हैं कि हमारे साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक़ थी, मजलिस थी। फ़काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैन हाज़रीना, इत्तिफ़ाक़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। मजलिस वालों को ये नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, खड़े हो गए और बाहर तशरीफ़ ले गए। इससे शारहीन ने यह मसला निकाला है, अगर कोई मेरी मजलिस हो, अमीर हो, तो अगर वो बाकियों को इत्तला दिए बगैर उठ के किसी काम की गरज से जाए तो उसको इसकी इजाज़त है। अपने शागिर्दों से मुरीदों से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल हज़रत तशरीफ़ ले गए। कहाँ तशरीफ़ ले गए ये नहीं फरमाया। सहाबा किराम ये समझे कि शायद दौलत खाने में तशरीफ़ ले गए होंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे, मजलिस थी। लेकिन फरमाते हैं फ़अबता अलैना, देर बहुत हो गई, आप वापस तशरीफ़ नहीं लाए। वख़शीना, हम डर गए। क्यों डरे? अन युक्तता दूनना, ऐसा न हो कि हमारी गैर मौजूदगी में, हमारे अदम मौजूदगी में, जब हम साथ न हों आपके, आप अकेले हों, तो कोई आपको तकलीफ़ न पहुँचाए या आपको शहीद न करे। ये हमको डर हुआ। पहले तो मालूम कर लिया कि किसी हुजरे मुबारक में, वहाँ मालूम कि यहाँ नहीं है, और कहीं तशरीफ़ ले गए, देर बहुत हो गई। सवाल डर क्यों था? वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फरमाते हैं कि दुश्मनों का डर था क्योंकि मदीना तैयबा में यहूद भी रहते थे, मुनाफिकीन भी रहते थे। तो यहूद की कोशिश और मुनाफिकीन की कोशिश हमेशा ये रहती थी कि आप उनको तकलीफ़ पहुँचाएँ, और ज़ाहिर एतबार से वो कार्रवाइयाँ करते थे। एक मरतबा यहूदी के कबीले ने रसूलुल्लाह सल्लम की दावत की और वहाँ आप तशरीफ़ ले गए। खाना तैयार हुआ, दस्तरखान बिछाया, एक बकरी को उन्होंने ज़बह किया था। उनको मालूम था कि बाजू का गोश्त आपको पसंद है, तो वो गोश्त उन्होंने तैयार किया था। दस्तरखान पर आप तशरीफ़ रखते थे, साथ में एक सहाबी भी थे हज़रत बिश्र इब्न बरार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपने बिस्मिल्लाह करके तनाउल फरमाना शुरू किया,
तो जो है आपने दाहिनी मुबारक में उस गोश्त को डाला और चबाने लगे तो अचानक आपने उसको वापस निकाला और जो साहबी साथ थे उनसे फरमाया कि आप भी निकालो वापस, इसको खाओ मत। उन्होंने कहा हजरत क्यों? फरमाया कि खाने में जहर मिला हुआ है, खाने में। अंदाज़ा लगाइए कि मेहमान बनाकर उनको क्या किया, खाने में जहर मिलाया। उन्होंने कहा हजरत मैं तो एक लुकमा निकल गया। आपने बड़ा अफसोस, उस ज़माने में तो ये नहीं था कि भाई कोई दवाई ऐसी दे दी जाए, कुछ भी किया जाए कि मियादा साफ हो जाए, वो तो लुकमा गया नीचे। तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कैसे मालूम हुआ कि खाने में जहर है, यानी वही नाजिल हुई या और किसी तरह? आपने फरमाया कि नहीं, गोश्त ने ही मुझसे कहा। किसने कहा कि मुझे मत खाइए हजरत, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। ज़ाहिर सी बात है जिस इलाके में और जिस बस्ती में ऐसे दुश्मन मौजूद हों तो उनके लिए क्या था जो हमला करें। इसे सहाबे किराम को ये डर हुआ। ऐसे एक मतलब ख़ुद तशरीफ ले गए काम की गरज से यहूद के यहाँ, तो धूप थी और मकान का साया एक तरफ था, तो उन्होंने वहाँ कुछ चादर वगैरह बिछा ली यहूदी ने, चटाई वगैरह, आप वहाँ तशरीफ रखते थे। उधर से उन्होंने जवानों को बुलाया और बहुत भारी बड़ा पत्थर उठा के ऊपर ले गए और जवानों से कहा कि आप ऊपर से गिरा देना इनके ऊपर ये भारी पत्थर। तो जब वो बिल्कुल वहाँ करीब पहुँच अब गिराने वाले हैं तो रसूल अल्लाह खड़े हो गए और तशरीफ़ ले गए। अब उसमें भी उनको रसवाई हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन हाजिर हुए कि हज़रत तशरीफ़ ले जाइए कि ये कार्रवाई उन्होंने की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे मुबारक में आराम फरमाते थे तो ज़रूर कोई सहाबी वहाँ मस्जिद नबवी में यानी दरवाजे के पास बैठा रहता था, वो ड्यूटी लगी रहती थी उसकी, उनकी ड्यूटियाँ बदलती भी थी कि कोई रात के वक्त हमला न करे, क्योंकि जब सब लोग सहाबा सोए हुए होंगे। ये तो ज़ाहरी असबाब के एतबार से था। फिर उसके बाद आयत नाजिल हुई वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, तो वो जगह आज भी मौजूद है। जब आप इंशाल्लाह तशरीफ़ ले जाएंगे वहाँ तो वहाँ दीवार के अंदर, क्योंकि अब तो दीवार बनाई गई है ना रोज़े पाक की, तो वहाँ एक पिलर है उसमें लिखा है उस्तवाने शरीर, उस्तवाने वहाँ रसूलुल्लाह सम एतिकाफ फरमाते थे। उसके बाद एक दूसरा है और उसको उस्तवाने हर्स, क्या वो लिखा हुआ उसमें आज भी, इसका मतलब कि यहाँ एक चौकीदार कहिए या बॉडीगार्ड कहिए, कुछ भी कहिए, खादिम कहिए, निगरान कहिए, मुहाफिज कहिए, तो एक मुहाफिज वहाँ रहता था, उसकी जगह मुतयन थी। इसलिए उस पिलर के ऊपर लिखा हुआ आज भी ये उस्तवाने हर्स है। तो वो सहाबा किराम वहाँ निगरानी करते थे ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो जाए कोई दुश्मन। फिर जब ये आयत नाजिल हुई वल्लाहु यासमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला आपको बचाएंगे लोगों के शर से, तो गोया आप अल्लाह ताला ने खुद ज़िम्मेदारी ले ली, ऐलान हो गया। आपने फरमाया कूमू अन्नी, सहाबा किराम से फरमाया जाओ, आप कोई निगरानी की ज़रूरत नहीं। वैसे तो फरिश्ते भी हिफाजत के लिए थे लेकिन ज़ाहिरी असबाब है ना, तो ज़ाहिरी दुनिया है। तो बहरहाल इसलिए सहाबा किराम डर गए कहीं ऐसा न हो कि रसूलुल्लाह को कोई तकलीफ़ पहुँचाए। वफ़ज़ीना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हम सब घबरा गए। फ़क़ुमना, हम खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? ताकि तलाश करें, ढूँढें कि अल्लाह के नबी सम कहाँ हैं। फ़क़ुन्तु अव्वला मन फ़ज़िया, अपनी हालत बयान फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा कि सबसे पहले तो मैं घबरा गया, या यह कि सबसे ज़्यादा घबराहट मुझे हुई। अब जाहिर सी बात है किसको ज़्यादा घबराहट हुई, ये तो कोई ऐसी बात तो है ही नहीं कि अंदाज़ा लगाया जाए। तो हज़रत अपना वाक़या बयान करते, मैं बहुत घबरा गया। फ़खरजतु अबतगी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मस्जिद नबी से निकला ढूंढने के लिए कि कहाँ हैं रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मस्जिद नबी और आसपास में मकानात भी थे, तो मकानात के बाद सिलसिला था बागात का, बागात थे, बागात आज भी वहाँ हैं, बड़े बड़े बागात हैं और बड़े घने बागात हैं। कभी कभी किसी रिवायत पर या किसी वाक्य पर इश्काल होता है, उस इश्काल की वजह यह है कि वो मंज़र हमारे आँखों के सामने नहीं है।
जैसे एक सहाबी के बारे में लिखा है, वो नमाज पढ़ रहे थे, एक परिंदा बाग में था। अब वो परिंदा उड़ा लेकिन उसको उड़ने का मौका नहीं मिला। उस सहाबी के ख्याल आया उसके दिल मुबारक में, मेरा बाग इतना घना है, देखो इस जानवर को जगह ही नहीं मिल रही है। नमाज के बाद उसने कहा, ओहो अस्तगफिरुल्लाह, मेरी नमाज में तो बाघ का ख्याल आया, मैं इसको सदका करूँ क्या? ये तो हमारी समझ में आएगा नहीं भाई, एक चिड़िया है, एक परिंदा है, क्यों नहीं उड़ेगा, उड़ जाए। लेकिन जब आप खुद देखेंगे मदीना तैयबा के बागात को, खजूर के बागात, क्या आप खुद कहेंगे बिल्कुल सही है? क्या इस दरख्त की शाखें इस दरख्त में, उस दरख्त की शाखें उस दरख्त में। एक तो हम वो खजूर का दरख्त देखते हैं फोटो पर, किस पर? वो तो जंगली दरख्त है, वो तो बस एक दरख्त, लंबा सा दरख्त है, ऊपर जो है कुछ पत्ते उसके हैं। नहीं, जो वो फलदार दरख्त होते हैं वहाँ मदीना तैयबा में बागात, मैंने खुद देखे, अपने आँखों से देखे हैं, बहुत देखे हैं। तो वो शुरू से ही उसकी शाखें ऐसी निकलती हैं, शुरू से ही इतनी घनी शाखें होती हैं कि आप धूप में वहाँ दिन भर बैठो कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल तब पता चलता है कि वाकई उस जानवर को उड़ने में पहले दुश्वारी हुई होगी, बड़ी मुश्किल से उसने रास्ता पाया होगा, क्योंकि एक शाख ऐसे है इधर से निकलेगा लेकिन ऊपर से और एक शाख है, तो शाखें ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी हैं, तो शाखों का कोई वो बिल्कुल छत सा बना हुआ है। तो बहरहाल फरमाते हैं कि मैं निकला और यहाँ तक कि मैं एक बाग के पास पहुँचा, हत्ता अतई तो हायतल अनसार लिबनी नज्जार, ये कबीला है उनको बनो नज्जार कहते थे, तो उनके बागात वहाँ थे करीब में। कहते हैं एक बाग था, हायत उस बाग को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी हो, अरबी में हायत जब भी कहेंगे चार दीवारी होगी, क्योंकि हिफाजत के लिए ये चार दीवारियाँ बनाते थे। जैसे हमारे यहाँ भी आज तो तार लगाते हैं, कोई टीन लगाता है, पुराने ज़माने में वो कच्ची कच्ची दीवारें होती थी या दो से सोन इंच। बहरहाल ये हैं, फरमाते कि मैं पहुँच गया वहाँ, फदुर तो भी ही, मैंने उस बाग के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, हल अजदुल हु बाबन, ताकि मुझे कोई दरवाज़ा मिल जाए, फलम अजद, लेकिन मुझे दरवाज़ा नहीं मिला। सवाल क्यों नहीं मिला? दो वजह से, या तो कि बाग बहुत बड़ा था, पूरे में चक्कर लगाना मकसूद, किसी हिस्से में आपने यहाँ से लगा वहाँ तक चक्कर लगाया लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं मिला। दूसरा मतलब तो ये है कि घबराहट की वजह से वो दरवाज़ा ही नज़र नहीं आया, जैसे कोई थोड़ी मेन गेट थोड़ी था कि वो जो है वो 20 फुट 30 फुट का होगा, नहीं, वो तो दरवाजे ऐसे होते थे जिसमें एक आदमी दाखिल हो जाए और निकल सके, और वो दरवाजे ऐसे होते थे वो बिल्कुल दीवारों के साथ या लगे रहते थे, कोई नुमाया उसमें अलामत नहीं होती थी। खुलासा ये है कि मैंने चक्कर लगाया बाग के इर्द गिर्द लेकिन मुझे दरवाज़ा नहीं मिला। तो मैंने देखा अचानक फैज़ा रबीउन यदखुल फी जौफ हायतिन मिन बिरिन खारिजतिन, मैंने देखा एक नाली है, एक नाली है, जो नाली जा रही है बाग में, और ये नाली आ रही है कुएँ से। अहले अरब जो है वहाँ दरिया तो होते नहीं, वहाँ कुओं से काम चलाते हैं, पानी खींच के और नालियों में डालते हैं, वो रस्सी से और वो यूं यूं करते, आज भी हैं, तो अब तो मोटर है उसके बदले में, लेकिन कुएं आज भी हैं बागात में हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे कुएं, तो उसको चालू कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा होज बनाते हैं, तो पावर पर जो वो पानी निकालता है उसके बाद जो वो नालियों में पानी जाता है पूरे बाग में उसको घुमाते हैं। वहाँ ये नहीं कि एक महीने के बाद पानी भरते हैं, नहीं, वहाँ एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर गर्मी इंतहा दर्जे की 50-55 डिग्री 52 डिग्री, इसलिए खजूर के दरख्तों को पानी बहुत होना चाहिए। तो इतने इतने बड़े प्याले बनाए हुए हैं और सीमेंट की नालियाँ बनी हुई हैं, बहरहाल आज तो पानी उसी तरह से डाला जाता है, तो पहले ये जो है वो रस्सी के और डोल के ज़रिए से, बहरहाल जो भी हो, तो कुछ ये कुएँ बाग के अंदर होते थे, तो कभी ऐसा होता था कि बाग के बाहर उसमें वो और बाग वाला भी इस्तेमाल करता था और ये बाग वाला भी इस्तेमाल करता था, तो मुश्तरक में, तो ये कुआं जो है ये बाग के बाहर था, तो नाली तो बनी हुई है कि जब वो निकालेगा पानी डालेगा तो अंदर पानी जाएगा, नाली तो वो नाली नज़र आई। हजरत फरमाते हैं कि फिर मैं उसी नाली के अंदर से दाखिल होकर अंदर चला गया, लेकिन फरमाया फाह तफस्त का माने आते हैं मैंने अपने आप को सिमट लिया, क्या ऐसे लेट गया, और लेटते लेटते ऐसे जैसे वो क्रॉलिंग करते हैं ना, जैसे यूं चलते रहते हैं, तो ऐसे मैं बिल्कुल सोया ऐसे नीचे लेट के, और नीचे लेट के यूं यूं करके अंदर चला गया। आगे एक लफ्ज़ आगे आ रहा है कि जैसे कोई जानवर किसी तंग रास्ते के अंदर से अंदर जाता है ऐसे,
तो फरमाते फिर भी अंदर दाखिल हुआ बाग में, ये मालूम नहीं था कि वहाँ रसूल अल्लाह हैं, लेकिन मैं गया, मैंने कहा देख तो लूँ। फरमाते हैं कि फदखल तो अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा तो उसी बाग में है रसूल अल्लाह सल्लम। आपने मुझे देखा, फ़काल अबू हुरैरा, यानी आन तो अबू हुरैरा, अबू हुरैरा हो? मैंने कहा हज़रत मैं हूँ। नाम या रसूल अल्लाह सल्लम। कल माशानु का क्या बात है, क्या इसका मतलब? तो ये है कि आप तो नाली से अंदर दाखिल हुए कि, या मतलब है कि आप यहाँ क्यों आए, किस काम के लिए आए? कुल तो कुंत बैत आज़हरीना बैना आज़हरीना, मैंने अर्ज़ किया हज़रत आप तो हमारे साथ बैठे हुए थे। फ़कुमता, आप खड़े हो गए। फ़अबता तालेना, देर हो गई आप तशरीफ़ ही नहीं लाए। फ़खशीना अन तुक्ता आदूनना, हमें डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि आपको तकलीफ़ कोई पहुँचाए या आपको शहीद करे। फ़फ़ज़ैना, हम सब घबरा गए। फ़कुंत अव्वल मन फ़ज़िया, हज़रत सबसे ज़्यादा तो मैं घबरा गया। फ़ातई तो हाज़ल हायत, मैं इस बाग में आया बाग के बाहर तो, लेकिन मुझे कोई दरवाज़ा नहीं मिला। अब इसी वजह से मैं इसी नाली के अंदर से दाखिल हुआ। न फ़ाह तफ़ज़ तो कमा याब, जैसे लोमड़ी किसी तंग जगह के अंदर से दाखिल हो जाती है, ऐसे में सिमट कर यहाँ से दाखिल हुआ। वहाउलाई ना सुवराई, मैं अकेला नहीं हूँ, लोग आ रहे हैं, लोग रहे। कोई उधर गया, कोई इधर गया, आ रहे हैं लोग। फ़काल या अबा हुरैरा, आपने फरमाया अबू हुरैरा का हज़रत का वह आतानी नालैया, आपने अपना जूता मुबारक नालानी मुबारक मुझे दे दिया। का अबू हुरैरा ये ले लो, ये निशानी है। फरमाया इज़हब बिन नालैया हातैन, जाओ मेरे इस नालानी मुबारक को साथ ले जाओ, दरवाजे से अब निकल जाओ बाग से बाहर। फमन लकिया का मिमवाराई हाजल हायत, जो शख्स तुम्हें मिले इस बाग के बाहर, यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्तयकीनन बिहा कल्बुहु, जो दिल से गवाही देता हो इस कलमे की, दिल से यकीन है उसका कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फबशिरु बिल जन्ना, उसको जन्नत की बशारत दे दो, उसको जन्नत की जाओ। इससे उलमाए किराम ने मसला निकाला है, अगर किसी आदमी को कहीं भेजना हो तो उसके एतमाद के लिए, ताकि लोग उस पर एतमाद करें, कोई निशानी उसको देनी चाहिए, कोई निशानी उसको कि ख़त दे दें उससे या और कोई चीज़ दे दें। तो वहाँ तो कुछ वक्त था ही नहीं, आप ने अपने नारायण मुबारक दे दिए, पर उन्हें ले जाओ, चूँकि सहाबा किराम रसोल्लम के नारायण मुबारक को पहचानते थे, जाहिर सी बात है। तो महबूब की कौन सी चीज़ छुपी हुई होती है, तो देखते थे ये रसोल्लम का जूता मुबारक है। तो फरमाते हैं कि मैं निकला बाहर और नालाज मुबारक लेकर, फ़काना अव्वल मन लकीतु उमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई वो हज़रत उमर फ़ारूक थे। फ़काल मा हाता नालान या अबा हुरैरा, वो भी हैरान हो गए, उन्होंने पहचान लिया ये तो रसूल सल्लम के नालाज मुबारक हैं, ये क्या बात है, इनके हाथों में ये नालाज मुबारक कैसे आ गया? तो ज़ाहिर सी बात है किसी बुजुर्ग की कोई नाले ऐसे उठा के ले जाएगा कहीं, और ये क्या चीज़ है ये नाले मुबारक? कुल तो हाथानी नाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर ये तो रसूलुल्लाह के नाले मुबारक है। उन्होंने कहा वो तो मैंने भी पहचाना है, तो ये क्या बात है? कहा बासनी भी हिमा, ये मुझको रसूलुल्लाह सल्लम ही दिए कि इनको ले जाओ। और फरमाया मन लकीतु यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयकिनन बिहा कल्बुहु फबशरतुहु बिल जन्नत, मुझे ये भी फरमाया कि अबू हुरैरा जो तुझको बाहर मिले और वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो दिल से, तो उससे कहो तुम जन्नती हो, तुम जन्नत की बशारत दे दो। तो ये तो अब रिवायत में इख्तिसार है, हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि वापस जाओ। क्या क्यों? कहा मुनासिब नहीं है इस तरह से वो बशारत सुनाना। तो हज़रत अबू हुरैरा ने नहीं माना होगा कि नहीं मुझे तो जाना है। हज़रत ने फरमाया बताया आप मत जाओ, वापस जाओ। अब इसमें थोड़ा वो हो गया, तो फ़ाज़रब उमरु बैना सदिया, हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने मेरे सीने पर हाथ मारा। क्या तो बहादुर तो थे ही, बहादुर का तो इशारा ही काफ़ी है, यूँ किया कि मानते नहीं हो, रुकते नहीं हो ऐसे। तो कहा कि फ़खरर तो लिस्ती, मैं शानों के बर गिर गया, पीछे को सुरीन के बर गिर गया। फ़काल इरजिअ, वापस जाओ या अबू हुरैरा। फ़रजअतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वापस आ गया, बाग में दाखिल हो गया।
और फ़ाजहश तो बिलबुकाई, मैं फूट फूट कर रोने लगा। क्या? क्योंकि उसको ये मालूम नहीं था ऐसा होगा। बहुत रोया मैंने। अब वारा कह भी नहीं उमर हज़रत उमर फारूक की हैबत भी मेरे ऊपर तारी थी, जलाली थी ना बहुत ज़बरदस्त। तो फरमा कि फ़ैज़ा हुआ आला असरी, और वो भी मेरे पीछे पीछे आ ही रहे थे, वो भी तो आ रहे थे लेकिन मैं आगे निकला। फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालक या आबा हो रहे ना, जब देखा कि ये वापस आ गया बहुत जल्दी और रो भी रहे हैं, आपने फरमाया कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो मैंने अर्ज़ किया हज़रत लकीत उमरा, मेरी मुलाकात हज़रत उमर फारूक से हुई, अखबार तो हूँ बिल्लजी बास्तनी भी, मैंने उनको खबर कर दी, वो रिवायत और बशारत मैंने उनको सुना दी। तो लेकिन उन्होंने मुझे मना किया, मैंने कहा मुझे बशारत सुनानी है। तो फ़ाज़ारा बाबा ने साथ यही है ज़रबतन, उनने एक मारा ऐसे, तो मैं गिर गया अपने शानों के बल और कहा वापस जाओ। तो इतने में हज़रत उमर फारूक भी पहुँचे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उमर मा हमलका अला मा फ़अलता, फरमाया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा कि अबू हुरैरे को वापस क्यों निकाला और इसको धक्का क्यों दिया? क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अबी अंत व उम्मी, अर्ज़ किया हज़रत मेरे वालदैन आप पर फिदा हों और क़ुरबान हों। अब अस्त अबा हुरैरा बे नालाई का, क्या हज़रत आपने हज़रत अबू हुरैरे को यही फरमाया कि मेरे नालाई मुबारक ले जाओ और जो तुमको मिले और गवाही दे दे दिल से कि अल्लाह एक है उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है तो उसको जन्नत की बशारत दे दो, अरे आपने यही फरमाया था? काला नाम, आपने फरमाया क्या? हाँ मैंने ही इनको भेजा। काला फला तफल, कहा हज़रत ऐसा न कीजिए। क्या? क्या क्यों? कहा फ़िन्नी अक्षा आयत के लन्नास वालेहा, मुझे डर है लोग इसी पर भरोसा करेंगे, अमाली छोड़ देंगे। अमाली फ़खल्ली हम यामलून, हज़रत उनको रहने दीजिए अमल करते रहें। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़खल्ली हम, आपने फरमाया हाँ रहने दो। क्या? अब यह रिवायत है, इसमें बाज़ लोग इश्काल करते हैं जो इस्लाम पर एतराज़ करने वाले हैं, बिलखसूस हज़रत उमर फारूक पर, वो कहते हैं हज़रत उमर फारूक ने उनको वापस क्यों निकाला? क्या? और जब हुज़ूर फरमा रहे हैं कि आप तशरीफ़ ले जाइए, इसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैफियत तारी होती थी, मुशाहदा होता था। क्या? मुशाहदा। तो मुशाहदा जब होता था तो जाहिर सी बात है तो दूसरे आलम में होते थे। उस वक्त क्या मुशाहदा हुआ? ये कलमा कैसा है, कलमा जो दिल के यकीन के साथ पढ़ेगा तो ज़रूर जन्नत में जाएगा। क्या? तो आप चाहते थे कि जल्दी से ये बशारत कहाँ तक पहुँचे, सहाबा तक पहुँचे और मेरी उम्मत तक पहुँचे। जाहिर सी बात है हज़रत उमर फारूक के ऊपर ये कैफियत तारी तो नहीं थी, उन पर ये कैफियत तारी नहीं। तो कैफियत का मसला है ना, इसकी मिसाल है और वह है मिसाल के बल्कि वाक़या है। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने उम्मत के ऊपर जो है 50 नमाजें फ़र्ज हैं। कितनी? 50। तो आप 50 लेकर आए नहीं आए? तो रास्ते में किससे मुलाकात हुई? हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने, उन्हें क्या फरमाया? अर्ज़ किया हज़रत 50 ज़्यादा हैं, क्या आप वापस तशरीफ़ ले जाएँ, उसमें कुछ कम करा दें। तो 9 मरतबा तशरीफ़ ले गए, 45 नमाजें कम होगी। तो क्या अल्लाह के नबी सब वहाँ ये नहीं फरमा सकते परवरदिगार से, या अल्लाह 50 तो ज़्यादा है आप कम कर दें, है ना? अल्लाह उनके उनसे ज़्यादा अक्लमंद कौन था? लेकिन उस वक्त एक कैफियत तारी थी। क्या? अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, ये सारी चीज़ें हैं और रिवायतों के एतबार, रिवायतों के एतबार से तो जो है वो दीदार भी हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे परवरदिगार के लिए तो 50 क्या, तो 500 भी अगर हूँ वो भी कम है। इसलिए आज मेरा 50 नमाजें अगर आमन सदकना, जब वापस तशरीफ़ लाए वो कैफियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तो नहीं थी ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया क्या दिया अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए, मालूम था ना ये कुछ लेकर आएंगे ज़रूरी। तो हजूर सल ने फरमाया कि 50 नमाजें का, ओ 50 तो बहुत हैं, 50 तो बताइए। उन्होंने मशवरा कबूल कर लिया किसका? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो रसूलुल्लाह से तो दर्जे में कम है ना, ये तो तय है ना। लेकिन उस वक्त एक कैफियत तारी थी, 50 की 50 कबूल कर ली, फिर वापस तशरीफ़ ले गए, यहाँ तक 5 तक पहुँच गए। ऐसे कभी कैफियत तारी होती थी उस वक्त आप कुछ भी फरमाते थे। और इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बुज़ुर्गों के ऊपर भी कैफियत तारी हो जाती हैं,
एक रिवायत मैंने वो पढ़ी नहीं, लेकिन एक मुहद्दिस से मैंने खुद सुनी अपने कानों से, दारुल के उस्ताद थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में थे, बस किस आलम में थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैका जो भी हो ऐसे किया, आपने वालेकुम सलाम फरमा कि मन अंता, क्या आप कौन है, अंत भी नहीं कहा, अंत फरमाए, ये मुज़क्कर का सेगा है, तो कोई आप ये भी नहीं पहचाने कि ये मर्द है या औरत है, कौन हो क्या, मन अंता, उन्होंने कहा ना आयशा, अना मैं हज़रत आयशा हूँ, आपने फरमा मन आयशा, आयशा कौन, आयशा तो ज़ाहिर सी बात है, तो वो अजवाज मुतारात में से हैं, है ना, रसूलुल्लाह को बहुत ज़्यादा मोहब्बत उनसे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, फिर वो फरमाए थे आयशा कौन, क्या, तो उन्होंने कहा बिन तो अबी बकरिन, क्या मैं अबू बकर की बेटी हूँ, क्या आपने फरमाया मानो अबू बकर, क्या कौन अबू बकर, क्या ज़ाहिर सी बात है अबू बकर को तो आप कभी भूले थे, एक आलम में थे, कहा मानो अबू बकर, अबू बकर कौन, उन्होंने कहा इब्न अबी कुहाफा, क्या अबू कुहाफा के बेटे, उन्होंने कहा मानो अबू कुहाफा, अबू कुहाफा कौन है, कहाँ का, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा समझ गई कि अब मुझे ज़्यादा ये जवाब नहीं देना चाहिए, वो खामोश रही, ये नहीं कहा कि अबू कुहाफा कौन है, बस तशरीफ़ ले गई। थोड़ी देर के बाद फिर खिदमत में हाजिर हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अब कुछ भी नहीं, तारीफ़ किया या रसूलुल्लाह सलम आपने मुझे पहचाना ही नहीं, न मेरे वालिद को पहचाना, मेरे दादे को पहचाना, अब ने हाँ आयशा बिल्कुल सही है, मैं कभी कभी ऐसे मकाम पर होता हूँ उस वक्त मैं मखलूक को नहीं पहचानता, क्या कौन मेरे सामने, मैं नहीं पहचानता उनको, तो जाहिर सी बात है ऐसी कैफियत तो ताहिर हो सकती है ना। मैं एक बुज़ुर्ग के पास गया, वो ज़िंदा है, आज भी अफसोस होता है बहुत, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, उसको भी किसी न किसी दर्जे में होगी, तो मैंने उससे अर्ज़ किया, मैंने कहा हज़रत मैं कभी आपको याद आता हूँ क्या, मैं कभी मतलब आपसे दुआ करते होंगे, वो बातें नहीं करते हैं, एक मतलब उन्होंने चिल्ला निकाला तो मुझे बताने वाले ने बताया जो उसके साथ था, उन्होंने कहा 40 दिन में 40 बातें इसने की हैं, कितनी 40 दिन में, वो कम गो है, बहुत बातें कम करता है, करता ही नहीं, अरे पता ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, बस देखता रहता, वल्लाह आलम क्या देखता है वो, जो भी हो, तो वो खामोश रहे। मैंने दोबारा फिर अर्ज़ किया, मैंने कहा हज़रत कभी मैं आपको याद आता हूँ, एक जुमला उसने कहा, उसका मफहूम ये है, अल्फाज मुझे याद नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कश्मीरी कहा, कहा मिशन पन्नी पान याद, क्या मिशन, ये उन्होंने किन से कहते रहे मिशन पन्नी पान याद, और ये उसने सही बात कही, क्या महवियात में होता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो यह हाल है उनके ग़ुलामों का, आका का आलम क्या होगा, तो आप पर कैफियत तारी थी, आपने फौरन देखा अल्लाह की कुदरत और ये कलमा ऐसा है, बशारत सुनाई, हज़रत उमर फारूक पर तो ये कैफियत नहीं थी, और समझ गए कि अगर इस बशारत को आम कर दिया जाए, हो सकता है कोई आदमी इसी पर भरोसा करके क्या करे, बस करे कि भाई हमें आप अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आँख बंद करके जन्म में पहुँच जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है, ये हुक्म ना फ़र्ज़ था ना वाजिब था, क्या उम्मत को पहुंचाना ही कोई फ़र्ज़ तो नहीं था, ये तो बशारत थी, क्या थी बशारत को पहुंचाना कोई फ़र्ज़ भी नहीं है। तो बहरहाल फिर जब हज़रत ने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरी नज़रों में ये है कि इस वक्त ये बशारत इनको न दी जाए, आपने फरमाया बिल्कुल सही, क्या आपने फरमाया फ़खली बिल्कुल, तो जब अल्लाह के नबी से उनका मशवरा कबूल फरमा लिया तो अब इश्काल की क्या बात है, वरना आप फरमाते नहीं बिल्कुल ये पहुँचाना है, हज़रत ठीक है आमना सदकना। तो ये हज़रत उमर फारूक की शान है। तो बहरहाल इसमें भी इस रिवायत में क्या है, बशारत किस पर, कलमे की। अब सवाल ये कि हज़रत उमर फारूक उनका मकाम क्या था, बहुत ऊंचे क्या, अल्लाह अकबर, उनके बारे में खुद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लक़द कान फ़ी मा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दिसून फ़इन यकु अहदुन फ़ी उम्मती फ़इन उमर, मुत्तफ़क़ुन अलैह। आपने फरमाया कि इस उम्मत से पहले जो उम्मतें आई हैं उनमें कुछ लोग मुहद्दिस होते थे, क्या एक होता है मुहद्दिस एक मुहद्दिस, मुहद्दिस कहते हैं जो हदीस का जानने वाला हो, मुहद्दिस उसको कहते हैं जिसके दिल पर इल्हामात हों, क्या इल्हामात जारी हों अल्लाह की जानिब से। फरमाया कि मेरी उम्मत का मुहद्दिस हज़रत उमर फारूक हैं, हज़रत उमर यानी जिसके दिल में बार बार बात डाली जाती है और सही और दुरुस्त,
और आपने खुद फरमाया इन्नल्लाह वज़ल हक़ अला लिसान उमर, आपने फरमाया अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फारूक के ज़ुमारे मुबारक पर हक को जारी कर दिया। क्या इनकी और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। और जो आरिफिन और उलमाए बातिन होते हैं, शोबे अलग अलग हैं ना, वो फरमाते हैं जो शोबा है ना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, वो जो कश्ती में वो सुराख किया था और क्या क्या किया था, कहते हैं कि उसके सरखैल और उसके सरदार हज़रत उमर फारूक हैं। हज़रत उमर जी तो बातनी एतबार से उनको तकवीनियात मिली हैं। यही वजह है कि आप मदीना तैयबा में बयान फरमा रहे थे जुमा को और अचानक फरमाया सारियतल जबल, या सारियतल जबल, इसका मतलब कि सारिया तुम पहाड़ की तरफ चलो। ये सारिया कौन थे? ये उस वक्त लश्कर के कमांडर थे। क्या थे? हालांकि मुझे ये मालूम नहीं कितने हज़ार किलोमीटर का फासला है। एकदम मुनकशिप हो गया, फरमाया कि जबल की तरफ जाओ। किसकी तरफ? यानी पीछे पहाड़ रहे तो उधर से तो कोई चढ़ नहीं सकेगा, तो दुश्मन तुम पर हमला नहीं कर सकेगा। या वो वाक्य तो इतना मशहूर है कि खत लिखा दरियाए नील के नाम, किसके? वरना जाहिर सी बात है, अकल में आने वाली बात है कि आप दरिया के खत लिखे, तो दरिया को खत क्यों लिखा? तो जो फातह मिस्र थे तो उन्होंने खत लिखा हज़रत उमर फारूक को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हज़रत यहाँ हर साल ये लोग एक कंवारी लड़की को लाते हैं, दुल्हन की तरह उसको सजाते हैं, जेवरात और नए कपड़े, फिर जो है वो उसके बाप को तैयार कर लेते हैं, उसको कुछ लालच देते हैं और बादशाह का हुक्म भी होता है, तो उसको डालते हैं दरिया में। किस में? तो पूरे साल दरिया जो पानी से भरा रहता है, तो सारा मिस्र उससे आबाद होता है। अब तो इस्लाम आया है तो इसकी तो इस्लाम इजाज़त नहीं देगा कि एक ज़िंदा इंसान को आगे क्या कर दो, दरिया बुर्द कर दो। तो हज़रत क्या हुक्म है? हज़रत ने ख़त लिखा, उसके अल्फाज मुझे याद नहीं है, बहुत वक्त पहले पढ़ा था। हज़रत ने लिखा दरिया नील के नाम, किसके? अक़ल में ये बात आने वाली है? दरिया नील, दरिया के नाम लिख दिया, दरिया के लिख दिया। कहा कि यह ख़त उमर बिन ख़त्ताब की तरफ से है, किसके? जलाली ख़त दरिया नील के नाम। अगर आप खुद चलते हैं यानी आपको पानी खुद आता है तो हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या जलाली? कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। और अगर आपको और कोई चलाता है, ये अल्लाह ताला, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ आपको चला दे। तो कहा खट डाल दो, लड़की नहीं, खट डाल दिया। किस में? दरिया में। किताबों में लिखा है उस साल उससे ज़्यादा पानी उसमें आया जितना उसमें आता था, और इस आज तक, इस वक्त तक, आज के दिन तक उसमें वो पानी कभी कम नहीं हुआ। तो ये तकवीनी शख्स थे। क्या थे? बहरहाल ये फरमाया और आपने फरमाया वो मुवफ़क़ मिन अल्लाह है। क्या? मुलहम मिन अल्लाह है, ये आपने फरमाया। और ये भी फरमाया आपने, फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, क्या कसम है उस परवरदिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, मालिकियक शैतानु सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। ए उमर रज़ियल्लाहु ताला जब भी आप किसी रास्ते से चलते हैं और अब उधर से शैतान आए, क्या वो रास्ता बदल जाता है, बदल के चला जाता है कि उमर आ रहे हैं क्या? एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लम इधर से तशरीफ ले जा रहे थे, उधर से हज़रत उमर फारूक आ रहे थे, तो रसूलुल्लाह से मुस्कुरा रहे थे। तो हज़रत उमर फारूक करीब आए और सलाम अर्ज़ किया और कहा आज़ाकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। हज़रत क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया कि मैं देख रहा हूँ आप उधर से आ रहे थे, शैतान इधर से आ रहा था, जब शैतान को नज़र पड़ ली उधर से उमर फारूक है तो वो मुड़ के वापस चला गया, दूसरा रास्ता इख्तियार किया। फरमा इन शैतान यफिर मिन ज़िल्ली उमर, फरमाया कि आपके साए से भी वो डरता है। किससे? तो जाहिर सी बात है ये वज़ीर हैं अल्लाह के नबी सल्लम के। आपने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने चार वज़ीर दिए, इन्हें लोगों ने वज़ीर मुंतखब नहीं किए, अल्लाह ताला ने। चार कौन? का दो आसमान में दो ज़मीन में है। का आसमान में कौन है? का आसमान में है जिब्राइल और मिकाइल। जिब्राइल और किसके वज़ीर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर। इससे मालूम हुआ कि रसूल आसमानों के भी बादशाह हैं और ज़मीन के भी, दो वज़ीरों को वहाँ रखा है और दो वज़ीर। तो अर्ज़ किया ज़मीन में आपका वज़ीर कौन है? का अबू बकर और उमर। अबू बकर और इनके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, मुझे सब नहीं बताने हैं। हाँ, चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल ने फरमाया ये मुलहम हैं, क्या मुहद्दस हैं, इसका मतलब है कि ये जो ये ज़ुबान से निकालते हैं वही होता है। तो मकामी इब्राहिम, मकामी इब्राहिम खाने काबे के सामने है ना वो पत्थर, अब तो उसको गुंबद बनाया हुआ है, उसकी फजीलत आपने बयान फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बड़ा
मुकद्दस मकाम है। हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ किया, फिर क्यों ना हम यहाँ नमाज की दो रकअतें पढ़ें क्या? आपने फरमाया इसका हुक्म तो नहीं है, हुक्म तो नहीं। हज़रत उमर फारूक ने भी राय पेश की कि मेरा जी चाहता है नमाज पढ़ें, मेरा जी चाहता है, तो आपने फरमाया हुक्म नहीं है। आयत नाज़िल हुई, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मकामी इब्राहिम के पास नमाज़ पढ़ लो। तो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि मुझे तीन बातों में, एक रिवायत में है फरमा कि परवरदिगार का हुक्म मेरी राय के मुताबिक नाजिल हुआ। ऐसे अजवाज मुतारा था कि बैठ जाती थी मजलिस में, तो हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लम, आपकी महफिल में तो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, मुनाफिकीन भी होते हैं, और कौन कौन होते हैं? अजवाज मुतारा को आप फरमा दीजिए वह अंदर बैठें, क्या पर्दे में बैठें, यहाँ ना आया करें। तो रसूलल्लाह सल्लम ने फरमाया कि इसका हुक्म तो है नहीं, इसका हुक्म तो पर्दे, तो फिर हुक्म नाजिल हुआ क्या? अजवाज मुतहरात से कह दें कि वो अपने हुजरों में रहें, क्या महफिल में ना आएं। तो पहले किसने कहा? ऐसे जब बदर में जंग बदर में 70 कुफार तो मारे गए, 70 को कैद करके लाए, फिर आपस में मशवरा हुआ, ये जो 70 कैदी हमारे पास, इनके साथ क्या मामला किया जाए? हर एक ने अपनी अपनी राय दे दी। तो हज़रत उमर फारूक से पूछा गया कि आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा मेरी राय यह है, तो मेरा मामू आया है, कौन आपके मुकाबले में, उसको मेले हवाले कर दो, कर मैं उसको खुद ही उसकी गर्दन काट दूंगा। सब उनके साथ यही मामला है, इनका ख़त्म करना है। तो ये जब तक ये नहीं राय दे दी, इनको मारना है क्या, कत्ल करना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी अलग राय दी, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन भी थे, तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की राय को तरजीह दे दी, फरमाया इनको मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे और कुछ थोड़ा सा बदला इनसे ले लेंगे। बात ख़त्म हो गई, आयत नाजिल हुई, क्या आपने ये फैसला क्यों किया? क्या करना था? वही फैसला करना था जो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया। तो ऐसे ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जब मुनाफिकीन ने वो और तूफान बर्पा किया था, तोहमत लगाई थी, जो ही पहली मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ये कान में बात आ गई, तो आपने फरमाया सुबहान कहाज़ा बुहतानुल अज़ीम, क्या सबसे पहले बिल्कुल सुबहान कहाज़ा बुहतानुल अज़ीम, यही अल्फाज नाजिल हुए कुरान पाक, सुबहान कहाज़ा बुहतानुल अज़ीम। तो जाहिर सी बात है, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला समझ गए कि इस बशारत को इस वक्त आम करना ये मसले के ख़िलाफ़ है, मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमाया। इससे पहले भी एक रिवायत आई, हज़रत मुआज़ इब्न जबल पीछे थे रसूलुल्लाह सल्लम के एक ही सवारी पर, आपने उनको बता दिया कि जो ये काम करे, कलमा पढ़े, उसको जन्नत है। तो उन्होंने कहा हज़रत क्या मैं लोगों से बता दूँ? आपने फरमाया नहीं। उस वक्त वो कैफियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं थी, इसलिए आपने बशारत तो सुनाई, फरमाया फ़िलहाल लोगों को मत बताओ, फ़िलहाल लोगों को। तो बहरहाल ये है, इस रिवायत का ख़ुलासा ये है कि इसमें कलमे की बशारत है क्या, जो आदमी पूरे यकीन के साथ इस कलमे को दिल में बसाएगा, यही यकीन होगा, वो जन्नती है। अब कोई आदमी कहे मैं सिर्फ कलमा पढ़ूँ, कुछ नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है। एक मुहद्दिस के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हज़रत क्या कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की चाबी नहीं है? उन्होंने कहा है, क्या नहीं, लेकिन हर चाबी में दंदाने होते हैं क्या? हर चाबी में, अगर तुम चाबी लाओगे उसमें दंदाने नहीं होंगे, दरवाज़ा नहीं खुलेगा दरवाज़ा। वो ये कहना चाहता था, जब हमने कलमा पढ़ लिया है, हम नमाज की पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वो समझ गया ये क्या कहना चाहता है। उन्होंने कहा बिल्कुल, चाबी तो आपके हाथ में है, जिसको दंदाने भी बनाने हैं ना, मतलब तो ये जो आमाल हैं ये मिसले दंदाने के, क्या है चाबी तो हाथ में है। अब जाहिर सी बात है, एक चाबी दूसरे ताले को तो लगती नहीं, तो जब इस चाबी में ही कोई ख़राबी होगी, दंदाने वो ठीक नहीं बैठेंगे, तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा? और ख़ुलासा इस रिवायत का ये है कि इसमें बशारत है किस चीज़ की, जो आदमी कलमा पढ़ लेता है, कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके तकाजों को पूरा करता है, वो यकीनन इंशाल्लाह कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा, और अवली वहले में ही जाएगा। और अगर किसी कोताही हुई तो उसे बाजपुरस होगी, वो रिवायतों में आता है जी।